अमर ज्योति जी साथ में जो कि पढ़े ये स्कूल से, पहले बढ़े पूरा अच्छे से। सिर्फ सब्जी बचा है, देखिए चूल्हा कितना अच्छा जल रहा है, हम लोग का सब्जी मस्त बना है ना। आलू काट रहे हैं, आलू। तो दोस्तों जैसे कि दीपावली क्या है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को राहुल ज्योति ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह की 6:30 बज रही है, 6:30-7 बज चुका होगा, टाइम नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ज्योति जी सुबह में खाना बना रहे हैं, है ना, आलू काट रहे हैं, आलू छील के। अरे इधर भात चढ़ा हुआ है हम लोग का, देखिए। अरे लगता है चूल्हा फट गया, नहीं पानी गिरा है। और आपको मौसम दिखा देते हैं अभी, है ना, देखिए मौसम कुछ इस तरह से है। इधर धूप ज्यादा, और दोस्तों देखिए बाल कटवा लिए हम, कैसा लग रहा है देखिए। और मेरे घर तरफ का ही लड़का काटा है बाल हम लोग का, तो आप लोग को अभी दिखा देते हैं वो भी कि कैसे कटवाए, कैसे काटा बाल वो लड़का, है ना, कितना एज का है। मेरा ही जैसा वो लड़का है, अच्छा खासा बाल काटा, लेकिन हम बोले उसको नॉर्मल काटना, लेकिन अच्छा काट दिया। हमको इतना सोचे नहीं थे हम इतना कि इतना अच्छा काट पाएगा, लेकिन काट दिया अपने से, तो कोई नहीं। देखिए दोस्तों बाल कटवा रहे हैं, ये मेरे घर के बगल का ही है, वही काट दे रहा है, देखते हैं कैसा काटता है बाल, है ना, देख लीजिए। देखिए दोस्तों बाल कटा लिए, एकदम ही नहीं लग रहा है कि हम ये गांव में कटाए हैं, तो कोई लड़का काटा लग रहा है पूरा कि सैलून में कटाए हैं, देखिए, है ना। वो लड़का चला गया, आएगा फिर नहीं। और दोस्तों आज हम लोग ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाले हैं अपना स्कूल, हम दोनों का स्कूल, जो हम और ज्योति जी साथ में पढ़ते थे, है ना, किधर पढ़ते थे, वहाँ प्राइवेट स्कूल भी था और सरकारी था, तो दोनों में ही पढ़े हम लोग, तो दोनों दिखाएंगे। और प्राइवेट स्कूल टूट गया पूरा, तो आप लोग को दोनों दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। और आप लोग से हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आप हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को अपना स्कूल दिखाएंगे हम लोग, हम खाना खा के उसके बाद चलेंगे, है ना। और ज्योति जी वहाँ पे नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकते आप लोग को बताएंगे सब कुछ, है ना। तो बनने देते हैं खाना, पहले देखिए बन रहा है कितना अच्छा, आलू भी काट रहे हैं ज्योति जी, देखिए इधर से देख लीजिए ज्योति जी को, देखिए मुँह फुलाई हुई है, ज्योति जी कुछ बोलिए इन लोगों को आप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप लोग को बोले हो कि जानी का पापा कि हम लोग दोनों स्कूल दिखाएंगे, जो हम साथ में पढ़ते थे, तो जाएंगे तो दिखाएंगे। और ये नहीं जा पाएंगे और इसलिए कि हम लोग हम उधर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं निकलती अभी ज्योति जी, है ना, इधर। तो बताएंगे आप लोग को सब कुछ वहाँ स्कूल पे पहुँचेंगे तो कि क्यों नहीं आ सकते। तो ब्लॉग में बने रहिए, और इधर भात भी हो गया हम लोग का, तो भात पसाएंगे ज्योति जी, है ना। देखिए दोस्तों जानवी इधर है, बोलो। हाय दोस्तों, देखिए खाना बन गया, सिर्फ सब्जी बचा है, देखिए चूल्हा कितना अच्छा जल रहा है हम लोग का, सब्जी मस्त बना है, ज्योति जी मस्त बनाए हैं। देखिए जानवी भूल रही है, उधर चल रही है अपने। तो चलिए दोस्तों अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अपना स्कूल दिखाने लिख चलेंगे। तो हम खाना उना खा के तैयार हो गए हैं, नहा भी लिए हैं थोड़ा, है ना, कपड़ा भी चेंज कर लिए, देखिए। और बाल कटाए हैं तो अच्छा ही काट दिया, लग नहीं रहा है कि मतलब ऐसा ही नॉर्मल काटा, आप लोग को लग रहा होगा कि पूरा पैसा देके स्टाइलिश में कटाया, ऐसा नहीं है, है ना। आप लोग देखें भी अभी किस तरह से लड़का काट रहा था। तो चलिए हम घर से निकलते हैं स्कूल के पास जाके, आप लोग को वहीं दिखाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए स्कूल के पास चलते हैं फटाक से। दोस्तों पहुंच गए हैं अपना वो स्कूल, आ गए हैं, देखिए एक बार दिखा देते हैं। और इधर टेल्स बैठ रहा है मंदिर में, काली माता का मंदिर है, आप लोग को दिखाते हैं, देखिए इधर है ना, मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। और ये पूरा मंदिर है काली माता का, देख सकते इधर पूरा हो रहा है, टाइल्स पूरा बिछ गया है। कितना दिन लग गया ये बैठाने में अंकल? कम से कम एक हफ्ता लग गया दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से पूरा अच्छा डिजाइन से बिठाया गया है, पूरा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब स्कूल दिखाते हैं अपना हम, है ना। और यहीं पे हम लोग का स्कूल है, देखिए पूरा ग्राउंड ये है, देखिए स्कूल दिख रहा होगा पीछे। यही लड़का है जानवर चराने वाला, इसी का पारी आज। और हम करीब से दिखाएंगे अपना स्कूल कि कौन सा क्लास कितना क्लास में है। दोस्तों राजकीय उत्क्रमित
आगे पढ़ सकते हैं, यही मेरा स्कूल है। और इधर प्राइवेट स्कूल भी था यहाँ पे। और आप लोग को एक बात और बता दूं मैं कि ज्योति जी अभी नहीं आ सकती इसलिए कि उनका भी घर यहीं पे है, तो इसके वजह से वो नहीं आ पाएगी इधर, तो बाहर वो निकलती नहीं है जल्दी इसके वजह से। तो उनका भी घर यहीं पे है जो कि सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा वो खराब लगने की वजह से नहीं निकलती है ना, थोड़ा मजाक भी बनाते लोग, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए। और चलिए आप लोग को करीब से, धूप आ रहा है दोस्तों पूरा तेज, चलिए आप लोग को करीब से दिखाते हैं इधर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पहला क्लास से दिखाते हैं कि हम लोग पहला क्लास में कहाँ पढ़ते थे। और दोस्तों देखिए इधर कितना अच्छा हरियाली है पूरा ग्राउंड में, और क्या बोलते हैं इसको, इसको जानवर, हाँ जो कि बैल गाय है, जो मतलब कि पारी से चराते हैं, तो इधर ही चराने वाला लड़का लोग है, जो दो लड़का लोग आए हैं। आपके का पारी है? नहीं नहीं उसके पारी है। अच्छा इसका पारी है, देखिए यही है। क्या नाम है जी आपका? विनय कुमार। इसका नाम विनय कुमार है। तो छः बजे खुलता है सुबह में, सुबह में 6 बजे खुलता है और शाम में 6 बजे घर जाता है। तो चलिए आप लोग को पहला क्लास से आप लोगों को दिखाते हैं जो कि हम और ज्योति जी साथ में पढ़ते थे। इन लोग भी यहीं से पढ़ के निकला है, अच्छा लड़का है इन लोग। तो चलिए दोस्तों पहला क्लास से पहले स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोग पहला क्लास में कहाँ पढ़ते थे। टीचर हम लोग को मारते थे तो हम लोग डर से वो कर देते थे, मतलब कि पढ़ के नहीं जाते थे, तो है ना। तो हम लोग का पहला क्लास ये है, देखिए यहीं पे पहला क्लास, और यहीं से स्टार्ट है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और वहाँ तक है। और उधर काली माता का वो हो रहा है, मतलब कि बन रहा है मूर्ति, आप लोग को वहाँ भी लेके चलेंगे। ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, आप लोग दिखाते हैं। आप लोग हम लोग पहला वहाँ पे पढ़े, दूसरा वहाँ पे पढ़े दोस्तों, और तीसरा क्लास ये था। तो हम और ज्योति जी साथ में ही पढ़े, जो कि इधर ही खेलते कूदते थे। देखिए ग्राउंड है, यहाँ से इधर तक पूरा ग्राउंड है, हम पूरा इधर खेलते कूदते थे। तो यहाँ तक हो गया, आप चलिए दिखाते हैं एक बार फिर से। इधर लोग वो रहते हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं, जो कि क्या ही बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते कैमरा मैन, मुस्लिम जो भी वो नमाज का जो मौलाना वगैरह जो रहते हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से लोगों को कैमरा में नहीं लेंगे, लेकिन इधर से ही दिखा देते हैं कि ये जो पूरा है चौथा पांचवा छठा, जो इधर पूरा देखे आप अभी, वो चौथा पांचवा छठा से छठा तक था, सातवां उधर है। और प्राइवेट स्कूल भी है जो कि हम लोग 10th तक पढ़े प्राइवेट स्कूल तक, है ना। तो उसके बाद ट्वेल्व हम लोग फिर भरी, मतलब कि कॉलेज वगैरह में किए थे। तो चलिए आप लोग को एक बार दूर से ही दिखा देते हैं कि हम लोग का स्कूल कैसा है, बाकी आप लोग को तो दिखाई दिए कि कैसे हम लोग खेलते थे, रखते थे कैसे। दोस्तों आप लोग बारीकी से समझ गए कि हम लोग पहला दूसरा कहाँ पढ़े, और तीसरा चौथा इधर था जो पांचवा, तो सब लोग इधर क्या है मतलब कि वो नमाज पढ़ रहे थे, तो इसके वजह से नहीं दिखाया। और देखिए पीछे काली माता का मूर्ति बन रहा है, तो आप लोग को चलिए करीब से दिखाते हैं वहाँ, जो कि पूरा 15 दिन से बन रहा था, तो आप लोग को दिखाते हैं। और ये कौन क्लास है अभी रे, अभी कौन सा क्लास है? अभी 8th क्लास बन गया ये, लेकिन पहले 8th क्लास वो था जो कि वहाँ पे उच्च मध्य विद्यालय लिखा हुआ सो, और उसके बगल व्हाइट वाला था वो प्राइवेट स्कूल है, जो कि वहाँ 10 और 9 था, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो और क्या है, जो भी हम लोग का लाइफ का लाइफ मतलब कि जो भी स्कूल लाइफ था आप लोग को दिखाएं पूरा, एक बार देख लीजिए पूरा ग्राउंड है ना, टंकी है उधर पानी का। तो आप लोग को चलिए माता रानी का दिखाते हैं, काली माता का वो क्या बोलते हैं मूरत। तो दोस्तों जैसे कि दीपावली क्या 24 तारीख को है, 24 या 25 को जो भी होगा आप लोग को दिखाएंगे कंप्लीट। और एक बार अंकल जी को देख लीजिए, हर साल यहीं पे बनाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है अंकल जी, अगर डालेंगे यूट्यूब पे तो दिक्कत नहीं है? हाँ वही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं, किन्हीं किन्हीं को रहता है दिक्कत है ना दोस्तों। और पूरा अच्छा से ग्राउंड देख लीजिए, मंदिर यही है, और इधर पूरा स्कूल है देख लीजिए, इधर बच्चा लोग खेल रहा है, और पूरा ग्राउंड एक बार देख लीजिए अच्छे से। हमर ज्योति जी साथ में जो कि पढ़े हैं ये स्कूल से, पहले बढ़े पूरा अच्छे से, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर नजारा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्या है। अरे इधर तालाब है देखिए, देखिए कितना बड़ा तालाब है हम लोग का, है ना, पूरा हरा भरा। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपने घर आ गए हैं, तो है ना। तो दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी लाइफ स्कूल अच्छी लगी होगी, ज्योति जी और हमारी साथ में पढ़ते थे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।